हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। एयरफोर्स स्कूल से देखिए नई टीचर वैकेंसी आई है। जिनको एयरफोर्स स्कूल में एज अ टीचर ज्वाइन करना है वो इस वैकेंसी को देख सकते हैं। आपको ये न्यू रिक्रूटमेंट देखने को मिलेगा। इसमें कुछ वैकेंसीज़ है, बहुत कम वैकेंसीज़ है, मैं आपको क्लियरली बता दूँ ताकि आपको किसी धोखे में ना रखूँ। कुछ पोस्ट की वैकेंसीज आई है। देखिए ऐसे बड़े बड़े स्कूलों में, ऐसे खास करके इस बड़े बड़े जो स्कूल होते हैं वहाँ पर अलग अलग वैकेंसीज जो है साल भर आती रहती है। थ्रू आउट ईयर यहाँ पे वैकेंसीज आपको देखने को मिलता है। तो प्लीज़ कंसिडर करें, इन स्कूल के वेबसाइट पे हम रेगुलरली जाते रहें और जब भी वैकेंसीज आए। देखो वॉक एन इंटरव्यू में होता क्या है ना कि अगर सपोज कर लो कि एक टीजीटी मैथ्स का पोस्ट है, ठीक है, टीजीटी मैथ्स के पोस्ट के लिए अगर 10 बच्चे आ रहे हैं तो इनमें से किसी एक का सिलेक्शन होगा। अगर 9 कैंडिडेट कमजोर चले गए तो आपका सिलेक्शन तो ऐसे ही हो जाएगा। तो प्लीज़ इन चीज़ों को कंसिडर करें। अगर आपके घरों के आसपास स्कूल होता है तो डेफिनेटली आपको अप्लाई करना चाहिए। देखो KBS हो गया, इसके अलावा नवोदय विद्यालय, उसके अलावा एयरफोर्स स्कूल, एटॉमिक एनर्जी एजुकेशन सोसाइटी वाले स्कूल्स हैं, EMRS हैं। तो ऐसे जो बड़े बड़े केंद्रीय विद्यालय से संबंधित जैसे ही स्कूल और भी जगह हैं तो उन जगहों पे आप डेफिनेटली ट्राई करें। और जब आप केंद्रीय सेंट्रल यूनियन गवर्नमेंट के अंडर में जो स्कूल या इंस्टीट्यूट चलते हैं वहाँ पे अगर आप एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट गेन करोगे तो डेफिनेटली आपके आगे काम में ये आएगा। तो चलिए ये नई रिक्रूटमेंट है, इसे हम लोग कवर करेंगे। इसकी जो लास्ट डेट है दोस्तों वो 9 अगस्त को रखी गई है। 9th अगस्त 2024 तक आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। सीधे मैं आपको वेबसाइट की ओर लेकर चलता हूँ। एक और बात आपको मैं बता दूँ, अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको ईमेल के माध्यम से भी अप्लाई करना होगा। ये रहा स्कूल का वेबसाइट, आपको यहाँ से दिख रहा होगा बच्चे खेल भी रहे हैं और दसियों तरह की फोटो आपको यहाँ से दिखेगी। लेकिन आपको आपका जो टारगेट है वो यहाँ देखिए, ये वैकेंसीज वाला जो ऑप्शन आपको दिख रहा है ना, ये है आपका टारगेट। ये क्या है आपका टारगेट है, इसी पे आपको क्लिक करना है। देखो ये मैंने वैकेंसीज पे दिखा दिया आपको, इस पे आप जैसे ही क्लिक करोगे आपके सामने जो है नई विंडो खुल जाएगी यहाँ पे। ऑलराइट, चलिए ओपन कर लेते हैं वैकेंसीज को। अब देखो यहाँ से ये जो वैकेंसीज आई हुई है यहाँ से आप देख पाओगे। वेट ए मिनट, में से थोड़ा, हाँ ये फाइनली जूम आउट हो गया। अब यहाँ से देखो TGT इंग्लिश की रिक्रूटमेंट आई है रेगुलर बेस पे। ये देखो ये कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसी नहीं है, परमानेंट वैकेंसी है रेगुलर बेस पे। क्या चाहिए होगा इनको, मास्टर्स या फिर बैचलर्स में इंग्लिश अगर आपने किया है 50% के साथ आपका काम बन जाएगा। या फिर एग्रीगेट में भी 50% होना चाहिए, ऑनर्स में 50% और एग्रीगेट में भी 50% आपका होना जरूरी है। आगे देखिए बैचलर ऑफ एजुकेशन यानी कि BEd की बात की जा रही है, BEd भी आपका होना अनिवार्य है। 50% वाला क्राइटेरिया इन्होंने नहीं रखा है। शुड एबल टू रीड राइट कम्युनिकेट फ्लुएंटली इन इंग्लिश, यानी कि इंग्लिश आपका जो है अच्छे से होना चाहिए। क्या क्या होना चाहिए भैया, रीड राइट और इंग्लिश जो है आप अच्छे से फ्लुएंटली बोल पाओ। आगे देखिए एज लिमिट जो है 21 से 50 साल तक रखी गई है। अगर आपका एज 21 से मिनिमम और 50 से मैक्सिमम तो भी आप अप्लाई कर लीजिए। पे स्केल जो है 33,100 और 43,000 तक है। तो पे स्केल भी बहुत अच्छी है यहाँ पे, ऐसा नहीं कि पे स्केल आपको 10,000-15,000 में ये आपको काम करवा रहे हैं, यहाँ पे स्केल अच्छा है। आगे देखिए साइंस लैब अटेंडेंट के लिए रिक्रूटमेंट है, केमिस्ट्री बायो और जूलॉजी बॉटनी वाले के कान खड़े हो जाने चाहिए। यहाँ पे रेगुलर बेस पे इनके लिए भी वैकेंसी है। प्लस टू साइंस के साथ जिन लोगों ने किया है वो अप्लाई कर लेंगे। 21 से 50 तक जो है मिनिमम एज रखी गई है। रीड राइट एंड कम्युनिकेट इंग्लिश और हिंदी दोनों में आपको आना चाहिए। अब देखिए अगली जो वैकेंसी है वो स्पेशल एजुकेटर की है। स्पेशल एजुकेटर के लिए वैकेंसी जो है वो कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पे है। अगर आपने मास्टर्स कर रखी है या बैचलर्स कर रखी है 50% के साथ आप एलिजिबल हो जाते हो। बीएड का जो प्रोग्राम होता है वो आपको स्पेशल एजुकेशन में करना होगा, तो ये अलग होता है, बीएड से ये अलग है। जिन लोगों ने स्पेशल एजुकेशन PG डिप्लोमा से किया वो भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मल बीएड करने वाले बच्चे इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं। 28,500 रुपये आपको कंसोलिडेटेड एक बार में एक मुश्त दिया जाएगा। 21 से 50 साल तक एज रखी गई है। अब देखिए यहाँ पे जो वैकेंसीज मैंने आपको बताई ना उसके लिए गूगल फॉर्म मांगा गया है। ये देखिए गूगल फॉर्म का लिंक है यहाँ पे, TGT इंग्लिश के लिए, लैब के लिए, स्पेशल एजुकेटर के लिए। और नीचे देखिए फॉर्मेट दिया है रेज्यूमे का, रेज्यूमे का जो है फॉर्मेट भी दिया है कि आप कैसे फॉर्मेट को भेजोगे, ठीक है। और रेज्यूमे को ईमेल भी करना अनिवार्य है, जो आपका वैकेंसीज है वो ईमेल के माध्यम से भी आपको देना होगा। समझ रहे हो मेरी बात को, अदरवाइज ये कंसीडर नहीं करेंगे। ईमेल एड्रेस यहाँ से देख लीजिए, रिक्रूटमेंट इसके बाद जो है ATAFSBN@gmail.com, ये रहा ईमेल, स्क्रीनशॉट ले ले। बाय द वे PDF वगैरह जो आती है वो टेलीग्राम पे डल जाती है, टेलीग्राम को आप ज्वाइन कर लीजिए। नीचे कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया गया है। वैकेंसी है कहाँ से, एयर स्कूल विमान नगर से वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। ये रहा इनका ऑफिशियल वेबसाइट, ठीक है। अब यहाँ पे आप नीचे चले जाओगे तो विमान नगर आपको देखिए पुणे में देखने को मिलेगा, ठीक है। कॉन्टैक्ट कहाँ पे है, वेट अ मोमेंट मैं देख लूँ, कॉन्टैक्ट
कॉन्टैक्ट अस या फिर अबाउट अस में भी आप अगर जाओगे तो आपको आइडिया लग जाएगा, ठीक है। यहाँ से भी आप जो है चीज़ों को देख पाओगे। ये देखिए, खैर इन्होंने डेट नहीं दे रखा, खैर कोई बात नहीं, हम लोग वेट अ मिनट, खैर कोई बात नहीं, आपको ये जो है विमान नगर पुणे में है इतना मुझे पता है, तो जो पुणे के लोग हैं वो अप्लाई जरूर कर ले। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।